हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार। ये टू डिस्कस अबाउट द बेसिक सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पे बेसिक जो सेमीकंडक्टर है, आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। यहाँ इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर बना चुका हूँ। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने जेनर डायोड, नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम ट्रांसफरिंग द नंबर फ्रॉम वन टू अनदर, ये सब डिस्कस कर रखे हैं जी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उस सब वीडियो देख लीजिए। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा था सेमीकंडक्टर में, क्या जी, कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रखा था, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह के बारे में डिस्कस कर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रखा है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े थे, कौन कौन से जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध चालक और शुद्ध चालक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े थे। उसके बाद हमने बताया था कि टेम्परेचर राइज करने पे कैसे होता है, फिर से हम लोग अशुद्ध चालक कैसे बनाते हैं, तो शुद्ध चालक में कुछ इम्प्यूरिटी मिलाकर क्या बनाते हैं जी, अशुद्ध चालक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग को डिस्कस किया था कि अशुद्ध चालक के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो एन टाइप के और पी टाइप के होते हैं, इसको डिस्कस किया था हमने। एन टाइप और पी टाइप में देखिए जी, तो एन टाइप और पी टाइप में क्या है जी, एन टाइप का वो सेमी कंडक्टर होगा जो पी टाइप का कौन सा होगा। देखिये एन टाइप का पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। तो एन टाइप में हम डिस्कस करेंगे, फिर से पी टाइप का डिस्कस करेंगे और इस तरह बढ़ेंगे जी। तो एन टाइप का नाम से चल रहा है, एन मतलब क्या है जी, नेगेटिव, ठीक है ना, पी का मतलब क्या है जी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में एन का मतलब क्या होता है जी, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, होल होता है, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होता है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे जी, हम बात कर देंगे अगर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज यानी चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। तो देखिए अगर कोई भी सेमीकंडक्टर है उसके क्या होते हैं, चार वैलेंसी होती है, तो चार तो रिएक्शन कर जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ही तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पंच संयोजी क्या करते हैं जी, कंपाउंड मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे तो सेमीकंडक्टर में चार होते वैलेंसी, इसमें क्या होता है, पांच संयोजी यानी पांच वैलेंसी रहेगा, तो पांच तो चार इलेक्ट्रॉन तो ये थी कर जाएगा, क्या कर जाएगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पे देखिए ये चार है, चार इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जो क्या जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हुई तो क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो बात की जाती है कि इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है जी, तो जो हमारा शुद्ध चालक रहेगा यानी शुद्ध अर्धचालक रहेगा उसमें क्या मिलाएंगे जी, पंच संयोजी मिलाएंगे। पंच संयोजी कौन कौन सा होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक है जी। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी हम याद रखेंगे, कौन सा एन टाइप के लिए हम कौन सा मिल जाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सा इसमें कंपाउंड मिलाएंगे। तो हम लोग याद रखेंगे कौन कौन सा कंपाउंड मिलाना है जी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, निर्माण करता है जी, इसमें इसे डोनर एटम भी कहते हैं। इसे डोनर एटम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसको डोनर एटम कहते हैं। इस पर धन आवेश होता है क्योंकि इस ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, बोला है इस पर धन आवेश होता है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है जी। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जो भी है ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। इस अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है जी, इसमें मेजोरिटी में कौन सा होता है, मेजोरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इसमें एन टाइप नाम दिया है, नेगेटिव है। तो अल्पसंख्यक में कौन होता है, होल होता है, होल में क्या होता है जी, ग्राही होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है होल। तो यहां से हम देख सकते हैं, उसके बाद हमने बात किया था इसमें कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड कितने, देखिए इसमें क्या है जी, वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बॉन्ड में है उसको हम कितनी एनर्जी देंगे कि कंडक्शन बैंड में चल जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जाने से क्या हो जाएगा, उनकी कंडक्टिविटी, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और क्या हो जाएगा, वो कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो इसीलिए यहां पर देखिए इसके बीच का गैप है, सेमीकंडक्टर में क्या है जी, गैप है कंडक्शन बैंड वैलेंस बॉन्ड में, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ईजी से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर ईजी जितना गैप है उतना एनर्जी अगर हम देंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं, वैसे ही
देखिए सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप होता है, इंसुलेटर में एक गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितना हम एनर्जी देंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तो उसका एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत हाई होता है, उसलिए क्या होता है इंसुलेटर होता है। लेकिन कंडक्शन अगर कंडक्टर रहता तो क्या होता है, यही दोनों क्या होता है ओवरलैप कर जाता है, इसका ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड क्या होता है ओवरलैप कर जाता है, यानी जीरो एनर्जी देने के बावजूद भी क्या जीरो मानी एनर्जी नहीं देंगे तो भी क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो वो होता है हमारा कंडक्टर का। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ बोल रहा है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के नीचे रहता है, देखिए ये जो वैलेंस बॉन्ड है तो वैलेंस बॉन्ड इसमें रहेगा जी, वहीं बोला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किधर रहता है तो कनेक्शन बैंड में बोल रहा है, कनेक्शन बैंड में किधर रहता है जी, इधर रहेगा, देखिए यहां से जब गया तो ये सब यहाँ पे रहेगा। बोला है एनर्जी गैप कितना होता है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसके लिए जी होता है, जर्मेनियम के लिए होता है, हमको याद रखना है जर्मेनियम के लिए कितना होता है इतना गैप होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है तो इतना होता है जी। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से पहले कंडक्शन बैंड में चला जाता है, बोला है वैलेंस बॉन्ड से कहां चल जाएगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एन टाइप के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या विवरण से बहुत अधिक होती है, वीवर से क्या होती है बहुत अधिक होती है, प्रत्येक अशुद्धि परमाणु में एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसे अशुद्धि को दाता कहते हैं। देखिए अभी क्या है जी, ये देने वाला है तो क्या बोलेंगे इसको दाता बोलेंगे, तो अशुद्धि क्या है जी दे रहा है, यहाँ पे अशुद्धि क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको दाता बोल रहा है। चलिए अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बात करते हैं, पी टाइप में देखिए कौन कौन से, तो इसमें जब पी टाइप है यानी होल ज्यादा होना था, अगर वैलेंस बॉन्ड के हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, देखिए सेमीकंडक्टर पास क्या है जी सिलिकॉन है, तो इसके पास चार है, चार वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके साथ जो भी हम मिलाएंगे क्या मिलाएंगे, इसमें हमको होल की संख्या ज्यादा हो रखनी है, तो हम ऐसा चीज मिलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन इससे पहले पांच मिला रहे थे, पांच सौ इसमें त्रि संयोजी मिलाएंगे, यानी तीन तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा रिएक्शन कर जाएगा, तीन तो क्या हो जाएगा जो भी कंपाउंड रहेगा उससे रिएक्शन हो जाएगा, इससे रिएक्शन हो जाएगा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, तो वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा अगर बाउंड बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी होल क्रिएट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्रिएट हुआ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पी टाइप इसको हो जाएगा, पी टाइप क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है, इसका मतलब है कम इलेक्ट्रॉन मिला हुआ यानी त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा जी पी टाइप का मिल जाएगा। तो त्रिसंयोजी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में याद रखिए बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थाईलैंड क्या होता है एक जगह होता है जी, ठीक है ना, क्या होता है एक जगह होता है, ऑल देखिए ऑल इंडियन गर्ल आर ब्यूटीफुल, ये याद रखिए ऑल इंडियन गर्ल आर ब्यूटीफुल, तो यहां से हम याद रखते हैं कि बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ये टीलियम याद मत कीजिए यहां तक याद करिए, ठीक है ना, का डोपिंग करते हैं जी, इसमें क्या होता है अब ये अशुद्धि है, इस अशुद्धि को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पी टाइप में कौन कौन से अशुद्धि मिलाते हैं, तो कौन अशुद्धि मिलाते हैं त्रिसंयोजी मिलाते हैं, उसमें पूछा कौन कंपाउंड मिलाते हैं, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन में जो रहेगा हम लोग उसको टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ा, पी टाइप में होल की संख्या इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है अधिक होती है, जब पी टाइप का है तो उसमें क्या हो जाएगा पी टाइप है, इसका मतलब क्या पॉजिटिव टाइप का क्या है तो होल है, होल क्या है उसका संख्या क्या है ज्यादा है, तो पी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन। यहाँ पे देखिए मेजोरिटी में क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहेगा कंडक्शन के लिए, वहां पे क्या था एन टाइप में, एन टाइप में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन था लेकिन माइनॉरिटी में क्या था जी होल था। चलिए त्रिसंयोजी तत्व एक्सेप्टर परमाणु कहलाता है, देखिए अभी क्या है एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें क्या किया है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या किया एक्सेप्ट किया, तीन अपने था तो इसको इलेक्ट्रॉन तो अपने खुद लेना पड़ा, तो इस क्या है इसको त्रिसंयोजी एक्सेप्टर बोलते हैं जी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसमें क्या है जी एक इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाएगा तो क्या लेगा ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं डोनर बोलते हैं, एन टाइप को क्या बोलते हैं डोनर, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो दे सकता था। चलिए जी एक्सेप्टर परमाणु में ऋण आवेश होता है, बोला है कि एक्सेप्टर परमाणु क्या होता है ऋण आवेश होता है, इसी क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, एक्सेप्टर क्या है जी ग्रहण कर सकता है तो क्या हो जाएगा उसको एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो उसको एक्सेप्टर परमाणु बोलेंगे जी। देखिए यहाँ पे एन टाइप का हम लोग क्या दिखा रखे हैं जी, देखिए एनर्जी लेवल दिखाया गया है, एनर्जी लेवल है क्या वैलेंस बॉन्ड है कनेक्शन में इनके बीच का गैप है, जब हमने बोला है कि गैप डिपेंड्स अपॉन द इंटर एटॉमिक स्पेस, तो इंटर एटॉमिक स्पेस पे रहेगा, उसके अलावा जब टेम्परेचर हम राइज करेंगे या अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा वैलेंस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या हो जाएगा वो हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। वही बोले देखिए इसमें बनाया है, इसमें क्या है इसका चार है वैलेंस बॉन्ड, देखिए बेरिलियम क्या है सिलिकॉन के चार है, सिलिकॉन मेरा क्या है सेमीकंडक्टर है, कहे शिव जी सुने पार्वती, सेमीकंडक्टर कौन कौन सा है कहे शिव जी सुने पार्वती ऐसे है,
क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। तो जर्मेनियम जो है सिलिकॉन है, सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर ये रहा हमारा SI। इसके साथ बोरॉन का रिएक्शन करना है। बोरॉन क्या है? त्रिसंयोजी है। तो त्रिसंयोजी तो तीन को, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर गया। देखिए इसका तीन, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन, एक चौथा अभी है ही नहीं। इसके साथ तो सिलिकॉन का रिएक्शन करना है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो वही बोला इनकम्प्लीट बॉन्ड। तो ये क्या है जी, होल जनरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, होल जनरेट हो रहा है। जो होल जनरेट होगा वो भी कंडक्टिविटी में क्या करेगा जी, हेल्प करेगा। और यहाँ पे पी टाइप है, तो पी टाइप में होल क्या करेगा जी, कंडक्टिविटी मेजोरिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, किसकी वजह से करेगा, तो होल की वजह से करेगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बॉन्ड के ऊपर रहता है। बोला है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, देखिए वैलेंस बॉन्ड के क्या रहता है, ऊपर रहता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का सारा होल्स में रहता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जी, तो इसमें होल ही रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, होल्स रहता है इसमें। होल्स पड़ोस के परमाणु संयोजी से आकर्षित करता है। क्या जी, बोल रहा है कि होल क्या करता है, परमाणु से जी जो बगल वाला है उससे क्या करेगा जी, रिएक्शन करेगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां होल बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि वहां पर क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा रिएक्शन, तो वहां पर होल बन जाएगा। फिर से इस प्रकार इलेक्ट्रॉन से आकर्षित करके होल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे होल था, मैंने बोला कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या होल क्या करेगा, फिर से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सिलिकॉन का उससे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल और यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन कर जाएगा, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे होल एक जनरेट हो जाएगा। यही होल ना आया तो ये इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन तो किया, लेकिन यहाँ पे एक होल और जनरेट हो गया, ऐसे ही ये होल जनरेट हो जाएगा, फिर से होल जनरेट। तो होल की वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल देखिए, फर्मी लेवल जो हम एनर्जी लेवल का बात कर रहे हैं वही है जी, फर्मी लेवल उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर क्या है जी, सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर कहाँ है, यहाँ पे है। बोल रहा है कि इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड एक कंडक्शन वायर, इसके बीच क्या है जी, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल दिखा दिया, ईडी दिखा रहा है किसके लिए जी, तो डोनर एनर्जी लेवल। ई ये दिखा रहा है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ई एफ दिखा रहा है फर्मी एनर्जी लेवल। तो ई एफ देखिए इसमें बीचों बीच में, ई एफ इसमें यहाँ पे है, इसमें ई एफ क्या है जी, नीचे है। तो देखिए अगर एनर्जी लेवल की बात की जाए, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा यानी इंट्रिंसिक यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर रहता है, तो क्या बीचों बीच में रहेगा। जैसे हम एन टाइप का मिला दिए, तो एन टाइप में मिला दिए तो क्या हो जाएगा जी, नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या है, कंडक्शन बैंड की तरफ क्या हो जाएगा, ये हमारा ई एफ चल जाएगा। ठीक है जी, ई एफ कहाँ चल जाएगा, और ऊपर चल जाएगा। अब देखिए इसमें होल है, तो होल क्या है, नीचे रहता है, तो वैलेंस बॉन्ड के नीचे चलाएगा जी, यहाँ पे चलाएगा ई एफ। तो यहां से हम देख सकते हैं ई एफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है जी, किस कंडीशन में कैसे इंप्योरिटी मिला रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है जी। चलिए अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बोला है उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की संभावना 50% होती है। कंडक्टर में क्या होता है, 100% होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी सतह ऊर्जा गैस के मध्य संयोजी में चालन बैंड। देखिए ये प्योर है, तो इसमें क्या है जी, सेमीकंडक्टर मध्य में, वही बोला है। और एन टाइप का चालक में चालन बैंड के निकट होता है। क्या है जी, एन टाइप है तो चालन बैंड क्या है, निकट है। इसमें क्या है जी, तो पी टाइप के निकट है, वही बात सब लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है जी, देखिए अब थोड़ी सी आते हैं कि यहाँ पे आपको डिप में चलना पड़ेगा ड्रिफ्ट करंट को समझने के लिए, डिफ्यूजन करंट को समझने के लिए। तो देखिए ड्रिफ्ट करंट होता है, बोला कि आवेशों के प्रवाह से आरोपित वोल्टेज के कारण जो अनुगमन धारा होती है उसको क्या बोलते हैं जी, अनुगमन धारा को ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो जो आवेशों के प्रवाह से होता है जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं जी, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र में अभाव के कारण बहने वाली धारा को ड्रिफ्ट धारा या इसके वेग से ड्रिफ्ट वेग कहते हैं जी। विद्युत क्षेत्र मान लीजिए है, उसकी वजह से क्या होता है जी, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे। अब आती है डिफ्यूजन करंट, दो तरह के मैंने बताया। देखिए यह धारा जो सभी जगह आवेश चार्ज करिए कि सांद्रता कंसेंट्रेशन समान न होने के कारण विसरण धारण कर दी है। अब यहाँ पे क्या है जी, ये डिफ्यूजन करंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज क्या है जी, कम है इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा मूव करेगा ना, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है तो क्या हो जाएगा जी, ये डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा, तो ये क्या है, विसरण होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन है। और ये क्या है, ये हमारा जो वोल्टेज था, वोल्टेज का क्या था जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था जी, क्या था, ईएमएफ था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, चार्ज का फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ पे क्या है जी, चार्ज क्या है,
चार्ज का जो कंसेंट्रेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिफ्यूजन, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। तो हम दोनों समझ चुके हैं जी। अब बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही मेन हमारे लिए जी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर देखा जाए, देखिए जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक बनाए थे तो क्या किए थे, इंप्योरिटी उसमें मिलाए थे, ठीक है जी। तो इंप्योरिटी मिलाने से क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी बढ़ गया था। यही सब बातें लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। बोल रहा है दाता को स्वीकार अशुद्धि से बहुत कम मात्रा में और चालक मिला जाता है। अब देखिए, अब अशुद्धि मिलाने का मतलब ये नहीं होगा कि अशुद्धि बहुत ज्यादा मिलाएंगे। ये बोला जाता है कि 10^8 के अगर रहेगा एटम प्योर, अगर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर प्योर है, मैंने इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें एक एटम क्या करेंगे जी, अशुद्धि मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, यानी इम्प्यूरिटी मिलाएंगे जी, ठीक है ना, इम्प्यूरिटी मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मेनियम के केस में, बोल रहा है कि अगर एक अशुद्धि मिलाते हैं 10^8 में या 10^7 में एक मिलाते हैं, तो बोल रहा है कि 6 से 12 गुना क्या होता है जी, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर एक से एक अशुद्धि मिलाते हैं 10^7 में, तो बोल रहा है 6 से 120 गुना क्या होती है जी, टाइम बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इतनी कनेक्टिविटी बढ़ जा रही है। सामान्य ताप पर अशुद्ध चालक अर्धचालक की चालकता शुद्ध चालक की चालकता से कई गुना हो जाती है। वही बोला है कि अशुद्ध अर्धचालकता की चालकता शुद्ध चालक से क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से हुआ है जी, तो अशुद्धि मिलाने की वजह से हुआ है। बोला है यदि ताप बढ़ाया जाए, देखिए बात की जाए कंडक्टर में, तो कंडक्टर में क्या था जी, आर का फॉर्मूला होता है R=R0(1+α∆t), यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसमें हो रहा था, कंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ वगैरह सब जहां पढ़ा है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मेरा घटेगा जी, रेजिस्टेंस मेरा घटेगा, यानी क्या है, निगेटिव, क्या है जी, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट शो करता है, कौन, तो सेमीकंडक्टर। अब इसी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे जी, यूज करेंगे और अपने लिए क्या करेंगे, अपने लाइफ को सिंपल बनाएंगे। तो देखिए यहां बोल रहा है यदि ताप बढ़ाया जाए तो उष्मीय कंपनों में से स्वसंयोजी बंधन टूटने से मैग्नेटिक कैरियर की संख्या बढ़ने लगती है। अभी क्यों हो रहा है बताना चाह रहा है कि देखिए, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होने से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यही बात बोल रहा है जी। तो ये किसके वजह से हो रहा है, उष्मीय प्रभाव यानी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हो रहा है। माइनॉरिटी कैरियर की संख्या मेजोरिटी कैरियर के समान हो जाती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ व्यवहार करने लगता है, इसकी चालकता कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जी, ताप बढ़ाने से माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है, मेजोरिटी कैरियर कॉन्स्टेंट रहता है। देखिए ताप बढ़ाने से माइनॉरिटी कैरियर तो बढ़ा, लेकिन मेजोरिटी कैरियर सेम रहा, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। अब बात ये समझिएगा, मेजोरिटी कैरियर तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर की संख्या क्या हुई जी, बढ़ गई। माइनॉरिटी कैरियर की संख्या ही बढ़ना क्या हुआ, हमारे लिए हेल्पफुल हो गया जी, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर तो था ही, माइनॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ाने का था, बढ़ा दिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब एनालिसिस किया है, 0 केल्विन है, 300 केल्विन है, 80C है, 80 है, मेन 300 जिससे ज्यादा केल्विन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बोला कि जब कम ताप पर तो अशुद्ध अर्धचालक में ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ता है। देखिए जब कम ताप रहता है, कम ताप यहाँ पे है, अब क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो बोल रहा है कि अर्धचालक तो क्या हो जाए, चालकता बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। 300 केल्विन से अधिक ताप पर चालकता घटती है। अब देखिए 300 से जब जाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अत्यधिक ताप यानी क्यूरी ताप, ये बोला है क्यूरी ताप है जी, टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, से अधिक ताप बढ़ाने पे शुद्ध अर्धचालक शुद्ध चालक की तरह व्यवहार करता है। देखिए अब इसके बाद क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन हम लोग इस एरिया पे काम करते हैं जी, और इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो ये है कि ये टेम्परेचर वेरियंट इसका प्रॉपर्टी है, और यही रीजन है कि जो स्पेस सेटेलाइट वगैरह में जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। टेम्परेचर इज वेरी यूजफुल। अगर टेम्परेचर से क्या होता है जी, कैरेक्टर चेंज हो रहा है। देखिए अगर आईसी है उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है,
टेम्परेचर चेंज होने से कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मान लीजिए हम उड़ाना चाह रहे हैं किसी सेटेलाइट को, किसी सेटेलाइट को घुमाना चाह रहे हैं सर्कल में, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा जी, अगर टेम्परेचर सही नहीं रहा। तो इसलिए सेटेलाइट के लिमिटेशन है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर से निजात पाने के लिए कुछ और भी तकनीक हमको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे फ्यूचर में जी फेल होने की संभावना रहेगी। तो अभी तक सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइसेज है वो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यहाँ तक कि प्योरिटी, इसको इम्प्योरिटी अगर थोड़ी सी मिल जाती है, आपको कभी पता है कि लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह को ये बताया जाता है कि बेड बेड वगैरह पर ना रखें, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी अगर आसपास भी आती है तो उसका क्या होता है कैरेक्टर चेंज हो जाता है। वाटर आता है तो क्या होता है उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ह्यूमिडिटी तक आती है तो उसका क्या होता है कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इसीलिए मदरबोर्ड वगैरह में जो आईसी होते हैं पैक्ड होते हैं जी, एकदम पैक्ड होता है, फुल्ली पैक्ड रखा जाता है, थोड़ा सा भी उसमें कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए जो मदरबोर्ड होता है पूरा का पूरा ही बदलना पड़ता है, क्योंकि आप सोचिए नैनो में इशू क्या होता है, सब वायर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जी। पीएन जंक्शन की बात की जाए, अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा रेक्टिफायर की तरफ मूव करेंगे जी, कौन किधर की तरफ, तो रेक्टिफायर की तरफ। तो रेक्टिफायर से समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डायोड, और डायोड कैसे बनता है तो जंक्शन से बनता है, कैसे, पी टाइप और एन टाइप के जो होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, हमने पढ़ा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप एन टाइप के सेमीकंडक्टर जब मिलाएंगे, देखिए अब है कि हमारे पास पीएन जंक्शन बनाना है जी, हम लोग उसका सिंबल क्या होता है, किसी भी पीएन जंक्शन का सिंबल हम लोग ये पी है, ये मेरा एन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डायोड का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या पीएन संधि भी बोल जाएगा, पीएन जंक्शन भी बोल जाएगा, ठीक है जी, ये सिंबल है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, पी है, ये क्या है मेरे पास एन टाइप का है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज की मेजोरिटी है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज की मेजोरिटी यानी होल की मेजोरिटी है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा नलीफाई कर जाएगा, नलीफाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक वोल्टेज क्रिएट होने लगेगा, यहाँ पॉजिटिव होने लगा या निगेटिव होने लगा, तो एक वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इस रीजन में क्या होता है जी, एक वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए यहाँ से हम वोल्टेज एक बैटरी लगा देते हैं तो करंट मूव करने के लिए क्या होता है ये रोकने लगता है, उसको क्या करने लगेगा अपोज करने लगेगा जी, क्योंकि यहाँ भी एक वोल्टेज डेवलप हो गया है, और इसको यहाँ से अगर किसी भी चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ पास करना है तो ये क्या होगा ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ उससे ज्यादा वोल्ट देना पड़ेगा जी हमको, तो ये मेरा क्या है जी पीएन जंक्शन है। इसी सभी बात को अब क्या किया है कॉम्प्लिकेटेड लाइन में सब लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसको। बोला पी टाइप एन टाइप पदार्थ जिससे एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो पीएन जंक्शन बोलते हैं। देखिए पी टाइप एन टाइप के पदार्थ को क्या है क्रिस्टल, इन दोनों को क्या है मिला रहा है, समान रूप से पी टाइप एन टाइप के पदार्थ पास लाकर जोड़ने पर पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन पाता। देखिए ये बोल रहा है कि अगर सामान्य पी और एन टाइप का लाएंगे तो क्या हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा जी, ठीक है डायोड नहीं बनेगा। तो अब कैसे बनेगा जी, पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता क्योंकि इसे एकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त होता है। संधि बनने पर पी भाग में होल और एन भाग में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। संधि के दोनों ओर आवेश घनत्व चार्ज कंसेंट्रेशन समान न होने के कारण संधि पर विसरण की क्रिया होती है। बोला है ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे रिएक्शन करने लगा था, मैं बोला था पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा था नलीफाई कर रहा था, तो ये विसरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी विसरण कर रहा है, तो ये बोला है क्या हो रहा है चार्ज कंसेंट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है विसरण हो रहा है, वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है जी डिफ्यूजन करंट हमने पढ़ा था ना, तो ये डिफ्यूजन करंट वहां पे फ्लो करने लग रहा है जी, जिससे क्या हो रहा है एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। पी का होल और एन पदार्थ एन पी का होल और एन पदार्थ का क्या जी इलेक्ट्रॉन पी पदार्थ में विसरित हो जाते हैं, संधि के पास विपरीत आवेश समान मात्रा में आ जाते हैं। बोला कि जो ये आवेश क्या होता है जी, इससे क्या होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जनरेट हो जाता है, संधि के पास विपरीत आवेश समान मात्रा में आ जाते हैं और उदासीन हो जाता है, और क्या होता है एक दूसरे से रिएक्शन कर गया, यहाँ पे एक दूसरे से रिएक्शन किया गया तो क्या हो जाएगा ये चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है जी, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, अब ये फिर से निगेटिव चार्ज जाएगा तो ये पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, लेकिन अब इसको क्रॉस करने के लिए क्या है जी एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को तोड़ने के लिए अगर इसके पास पावर होगी तो ये क्या होगा मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा, इतना क्या बन जाएगा एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, कौन सा लेयर बन जाएगा डिप्लीशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं जी डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, होल एन यहाँ पे पदार्थ विसरित हो जाते हैं, संधि के पास में विपरीत आवेश मात्रा में आ जाते हैं और उदासीन हो जाता है, ठीक है। पीएन डायोड जंक्शन का हम सिंबल याद रखें जी, इसको डायोड का भी सिंबल बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन का भी बोल सकते हैं जी, पीएन संधि बोल रहा है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे बना रखा है ये होल बना रखा है, ये क्या है जी ये निगेटिव बना रखा है, अब देखिए इसमें क्या होगा आगे कि अब इस दोनों में जंक्शन में क्या होगा जी रिएक्शन होने लगा, तो देखिए रिएक्शन होने लगा तो क्या बनने लगा
ये प्लस प्लस इधर में लाइन, यानी ये क्या रहा? वोल्टेज एक क्रिएट करने लगा जी, पहले तो नलीफाई किया, उसके बाद क्या कर रहा है? वोल्टेज क्रिएट करने लग रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पीएन जंक्शन जब बन रहा है तो वहां पे क्या बन रहा है जी, एक डिप्लीशन लेयर बन रहा है। कौन सा लेयर बन रहा है? डिप्लीशन लेयर। अब पीएन जंक्शन की अवस्था पढ़ते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड की बैटरी संयोजित करने में दो मेथड होता है जी। देखिए अब पीएन जंक्शन हमने बनाया, तो पीएन जंक्शन को क्या बोला जी? डायोड बोलते हैं। अब डायोड को किस तरह से सर्किट में जोड़ सकते हैं? तो दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, या इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें। यानी ऐसे हम कर सकते हैं जी, दो केस ले सकते हैं। यानी हम पीएन जंक्शन को एक बार तो हम ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं, ये रजिस्टर वगैरह है, मान लीजिए कैपेसिटर बहुत सारे इसमें है, एक बार ऐसे जोड़ दिए, ठीक है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से। एक बार क्या होगा जी, एक बार हम इसको क्या किए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ठीक है जी। एक बार हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इसको अगर हमने जोड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ा है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, करंट मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है जी, यहां से हम समझ सकते हैं। तो पीएन जंक्शन की अवस्था थी, इसमें बोला है कि पीएन जंक्शन की बैटरी के संयोजित करने के दो मेथड है, क्या जी, तो सर्किट में लगाने की क्या है जी, दो है, बायसिंग के क्या है, दो तरीके हैं, संयुक्त करने के क्या है, दो तरीके, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग है, एक रिवर्स बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का देखिए यहाँ फिगर बना रखा है, फिर से आगे चढ़ेंगे तो हम लोग रिवर्स बायस का पढ़ेंगे जी। देखिए तो कंसेप्ट हमने समझा क्या जी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, कितने तरह के होते हैं बायसिंग, तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब हम लोग अगले लेक्चर में फॉरवर्ड बायस समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे, ये मेरा जीनियर स्टडी, देखिए जी मैंने थोड़ा चैनल का नाम चेंज कर रखा है, मैं सबको अनाउंस कर देना चाहूंगा कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर रखा है, जीनियर स्टडी कर रखा है। जीनियर स्टडी से आप सर्च कीजिएगा आप वीडियो लेक्चर, तो आपको पूरे चैनल से मिल जाएंगे जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल के अलग प्ले लिस्ट बना रखे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अलग बना रखे हैं जी, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग प्ले लिस्ट बना रखा है, आपको करंट अफेयर का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाइए और देखिए, और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और सेट रिमाइंडर जब भी हो तो सेट रिमाइंडर को क्या करें, ऑन कर दें। अगर ज्वाइन बटन आपको दिख रहा हो तो उसको भी क्या करें जी, क्लिक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू फॉर योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय Enjoy your life. Thank you. Thank you so much.